हेलो एवरी वन दिस इज़ अवनीश धारीवाल जो फ्यू हू डोंट नो मी आई हैव क्वालिफाइड द जुडिशल एग्जाम्स ऑफ दिल्ली एंड यूपी एंड टुडेज टॉपिक इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एज रिलैक्सेशन इन दिल्ली जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन डी जी एस में आप लोग जानते हैं डी जी एस में जो एज लिमिट है इट इज़ थर्टी टू ईयर्स अपर एज लिमिट और बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें जो एज लिमिट है इट इज़ थर्टी फाइव और फोर्टी तो दिल्ली की जो एज लिमिट है वो ऑलरेडी काफ़ी कम है और कोरोना की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने वैकेंसीज नहीं निकाली हैं डीजीएस के भी पॉसिबिलिटीज थी कि वैकेंसीज आएंगी बट बिकॉज ऑफ कोरोना बिकॉज ऑफ लॉकडाउन दे मे हैव बीन पोस्ट पोन्ड अगेन कितनी पॉसिबिलिटी थी कितने चांसेस थे वैकेंसीज के कोई डेफिनेट ढंग से तो नहीं कह सकते हैं आप बट अगेन इन देर पर एम्पल चांसेस कि उसकी वैकेंसी आ जाएंगी और दो साल में वैकेंसी आनी चाहिए थी अभी तक वैकेंसी नहीं आई है सो मैनी पीपल आर कंसर्न के दे मे बी एबव थर्टी टू जो थर्टी टू ईयर्स की एज लिमिट्स है उससे ऊपर उनकी एज हो जाएगी एंड दे मे नॉट बी एबल टू टेक द एग्जाम दैट इज देयर कंसर्न सो किसी ने कमेंट में लिखा था दैट इज देयर पॉसिबिलिटी दैट देयर मे बी सम एज रिलैक्सेशन इन द डीजीएस एग्जामिनेशन इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहूंगा डी की जो एज लिमिट है जो 32 इयर्स की एज लिमिट है वो काउंट होती है नेक्स्ट ईयर की फर्स्ट जनवरी से फॉर एग्जांपल अगर कोई और एग्जाम हो डीजीएस के अलावा और उसकी वैकेंसी अगर अगस्त में आती है अगस्त 2021 में तो उसकी जो एज काउंट करेंगे वो देख वे काउंट इट फ्रॉम फर्स्ट अगस्त और मे बी फर्स्ट सेप्टेम्बर वो लगभग उसी टाइम से काउंट करते हैं जब वैकेंसी आती है तो जो लोग दिसंबर में पैदा दिसंबर में जिन लोगों का बर्थ है ना दे में ऑल्सो टेक द एग्जाम बट डी में अगर अगस्त में भी वैकेंसी आती है अगस्त 2021 में देन योर यू मस्ट नॉट बी 32 टू बाई फर्स्ट जनवरी 2022 इसका मतलब ये है कि अगर इस साल अगर आप जो है 32 के हो जाएंगे देन यू कैन नॉट टेक द एग्ज़ाम अगर इस साल में कभी भी आप 32 के हो रहे हैं क्योंकि आपकी एज काउंट होगी फर्स्ट जनवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर तो अगेन ये भी थोड़ा सा और जो है है स्ट्रेंज तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कैन द ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ दिल्ली ग्रांट सम रिलैक्सेशन और कंसेशन फॉर द एज ऑफ थर्टी दिस ईयर क्या उन्हें कुछ कंसेशन मिल सकता है इन मैनी केसेस द ऑनरेबल कोर्ट्स हैव ग्रांटेड जब सी सेट का जो है पैटर्न चेंज हुआ था सी सेट एड हुआ था तब इवन जनरल कैंडिडेट डेट्स के लिए भी और बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा अटैम्प्ट जो है दिए गए थे सम एक्स्ट्रा अटैम्प्टर गिवेन अब डी जी एस में क्या वो अटैम्प्ट दिए जा सकते हैं ना एज फार एज पावर इज कंसर्न आई एम श्योर डेट हाई कोर्ट इज इज डेफिनेटली कैपेबल एम्पावर्ड टू ग्रांट सच ए हाई कोर्ट रिलैक्सेशन दे सकता है क्योंकि जो कोरोना की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत एक सीवियर प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा बिग प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वैकेंसीज का आना लेट हुआ तो डेट मे बी ए वेरी लेजिटिमेट ग्राउंड टू ग्रांट कंसेशन ऑफ वन ईयर और मे बी रिलैक्स एज लिमिट फॉर दिस अटैम्प्ट जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनके लिए मुझे भी लगता है कि इसके लिए रिलेक्सेशन मिलना चाहिए एज फार एज माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज गोस मुझे लगता है इट वुड बी वेरी अनजस्ट कि बिकॉज कोरोना की वजह से कुछ लोग जो है वुड नॉट बी एबल टू टेक द एग्जाम सो हाई कोर्ट को पावर है हाई कोर्ट रिज्रक्शन में भी कर सकता है और हाई कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पे भी वो रिलैक्सेशन ग्रांट कर सकता है टेकिंग इन इन अकाउंट द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक तो पावर तो है हाई कोर्ट को बट वुड द हाई कोर्ट डू इट आई थिंक हाई कोर्ट जो है बहुत जस्ट अप्रोच लेके चलता है इवन हमारे जो जो मेरा एग्जाम था जो 2015 का एग्जाम था उस एग्जाम में भी हाई कोर्ट रिमूव सम ऑफ द क्वेश्चंस बिकॉज देर वाज स्लाइट डाउट ओवर द आंसर्स ओवर द राइट आंसर टू दोज क्वेश्चंस तो हाई कोर्ट बहुत एक जस्ट अप्रोच लेके चलता है हाई कोर्ट मे ग्रांटेड बट हाई कोर्ट शुड नो अबाउट दिस प्रॉब्लम क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट इज वेरी ओवरबर्डन विद मैनी थिंग्स मैनी रिट्स मैनी वर्क आर देयर हाई कोर्ट इज लिटरली वेरी वेरी मच ओवरबर्डन तो हाउ वुड द हाई कोर्ट नो ऑनरेबल हाईकोर्ट को पता कैसे चलेगा दैट दिस प्रॉब्लम इज देयर देर फर्स्ट मैथड वुड बी के जब एग्जाम आएगा जब नोटिफिकेशन आएगा देन सम पीपल मे अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट बाई वे ऑफ रिट जुरिस्ट्रिक्शन रिट की रेड टूटेक्शन में कुछ लोग संगठित होकर जो है एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप का सूट डालें कि बहुत सारे लोग जो है आउट ऑफ एज हो गए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोरोना एंड कोरोना की वजह से जो है वैकेंसीज पोस्टपोन हुई हैं और इट वुड बी वेरी अनजस्ट फॉर दोज पीपल्स हु आर नो मोर एबल टू टेक द एग्जाम तो ये बात रखी जा सकती है रेडक्शन में और ऑनरेबल हाई कोर्ट मे ग्रांट सम रिलैक्सेशन दूसरा मेथड हो सकता है कि अभी बिफोर नोटिफा नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसीज अप्रोच किया जाए ऑनरेबल हाई कोर्ट को थ्रो आई थिंक लेटर्स और थ्रो रजिस्ट्रार जनरल साहब जो रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं उनके थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं आप जो ऑनरेबल हाई कोर्ट को या फिर यू मे राइट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है बट <coughs> अगेन बहुत एक मास अपील होनी चाहिए क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट इज़ वेरी बिजी और हाई कोर्ट के पास अगर जो है एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में लोग जाते हैं तो उसका ज़्यादा फर्क पड़ता है तो प्रॉब्लम कित, कितने लोग अफेक्टेड हैं कितने लोग सीरियस हैं कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बट अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट की नॉलेज में आती है अगर तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की नॉलेज में आती है ये चीज़ देन देर आर चांसेज दैट सच रिलेक्शेसन मे बी ग्रांटेड बट उनकी नॉलेज में आनी चाहिए दैट इज द फर्स्ट स्टेप और वो थोड़ा सा कॉम्प्लीकेट हो जाता है बिकॉज इवन इफ यू आर राइटिंग टू द रजिस्ट्र जनरल सर और द ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर देन अगेन वो यू नो बिकॉज ऑफ सो मच बिजीनेस एंड ऑल जो है वो उन तक पहुँचे और कितना सीरियसली लिया जाए और क्योंकि टाइम कंस्टेंट बहुत ज्यादा वहां पर होता है बट अगेन चांसेज है अगर जो है नोटिफिकेशन के बाद भी ऑनरेबल हाईकोर्ट को अप्रोच किया जाता है तो चांसेस हैं दैट इट मे एक्चुअली हैपन एंड आई बिलीव इट शुड एक्चुअली हैपन क्योंकि बहुत अनजस्ट हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनके पास शायद एक लास्ट अटैम्प्ट बचा हुआ था और कोरोना के की वजह से वैकेंसीज की नोटिफाई वैकेंसीज को नोटिफाई करने में डिले हो गया है और नाउ देर आर नाउ दे आर एब थर्टी टू ईयर्स नाउ दे कैन नॉट टेक द एग्जाम तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑनरेबल हाई कोर्ट मे टेक दैट इंटू कंसिडरेशन एंड ग्रांट यू समाइम बाकी लेट्स सी लेट्स होप दैट इट हैपन्स बहुत से लोग मुझे फेसबुक पर अप्रोच करते हैं तो एंड देयर क्वेश्चन इज दैट प्लीज गाइड मी सो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट वट एक्जैक्टली दे वॉन्ट गाइड करने गाइड करने की जहां तक बात है आई हैव अपलोडेड हंड्रेड वीडियोज और माई ऑन माई चैनल और दे आर ऑल रिलेटेड टू गाइडेंस सो वन थिंग इज दैट मैं उन्हें हो सारी चीज़ें शॉर्ट में बताता चलूँ एवरी कैंडिडेट हुइज मैसेजिंग मीन विच इज़ देट सर्टनली नॉट पॉसिबल सो बेटर वे ये है आप मैसेज आप देखो वीडियो काम आपको करना है आप वीडियोज देखो जिन टॉपिक्स पर ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं उसके अलावा जो है जितने भी वीडियो देख जो है केसेस पर हैं चाहे बुक रीडिंग पे हैं चाहे फिर कोचिंग से रिलेटेड है सबको देखो जो आपके पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लो उनके अलावा जो आपके एडिशनल क्वेश्चन हैं यू मे राइट इन मैसेज स्पेसिफिक क्वेश्चन आप जो है अपने मैसेज में भेजो देन ओनली इट्स पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई तो बाकी जनरल आप को कर रहे हो कि मैं आपको स्टार्टिंग से एक एक चीज बताता चलूँ इट्स नॉट पॉसिबल इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी बडी सो आप अपने क्वेश्चन को स्पेसिफिक रखो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में लिख देना थैंक यू वेरी मच